हेलो गाइस, हम फिर आगे एक नए ब्लॉग में मैं ये वीडियो उन लोग के लिए बना रहा हूँ जिनके यूट्यूब पे मैसेज आता है और जीमेल पे आता है कि वीडियो अनलिस्टेड वाला जो आता है मैसेज, तो उसमें जब म्यूट हो जाता है म्यूज़िक तब वो आता है। तो मैं ये बता दूँ पूरा प्रोसेस, ये पूरा मतलब आप कैसे वीडियो बनाते हैं और जब वीडियो बनाते हैं तो आप क्या गलती करते हैं, तो इसलिए वो अनलिस्टेड हो जाता है और वो आपको आता है जीमेल मैसेज और आप वो लोग परेशान हो जाते हैं कि कोई स्ट्राइक आया है या कोई और प्रॉब्लम है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने पूरा वीडियो इसका बनाया है, मेरे पे भी आई है दिक्कत तो मैं इसका पूरा वीडियो बनाया हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ 2 मिनट का है, तो पूरा वीडियो देखिएगा इसे। तो मैंने 2 मिनट में ये पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे वीडियो बनाया है आपने और कैसे अपलोड करते हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है कि जिससे अनम्यूटेड भी हो जाए तब भी आप में अनलिस्टेड नहीं होगा। तो मैंने सब बताया उसमें, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा जाके। तो हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ जो मेरे यूट्यूब पर आया था। ये देखिए जीमेल पे आया था, योर यूट्यूब शॉर्ट्स हैज़ बीन म्यूटेड एंड मार्क्ड अनलिस्टेड। तो ये वही बता रहा है कि जो यूट्यूब में मैंने जो शॉर्ट्स बनाया था जो यूट्यूब के म्यूजिक से, वो डिलीट हो चुका है। तो इसमें ये भी इन्होंने बताया है कि ये देखिए नीचे इन्होंने ये बताया कि योर शॉर्ट विल बी डिलीटेड इन 30 डेज। तो यूट्यूब वाले डिलीट कर देंगे इसको 30 दिन में, पर वो नहीं करना है आपको। आपको डायरेक्टली जाके आपको डिलीट कर देना है, मतलब IT स्टूडियो में जाके अपने खुद से डिलीट कर देना है यूट्यूब के कहने से पहले। तो हम पहले दिखा देते हैं आपको IT स्टूडियो में जाके। तो मैंने तो डिलीट कर दिया है वो वीडियो, पर जो ये है तो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि मतलब कैसे आपका आएगा। तो आप जैसे कोई भी मैं वीडियो क्लिक करता हूँ और एडिट पे जाता हूँ, तो ये जो मेरा पब्लिक दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये पब्लिक की जगह अनलिस्टेड दिखाएगा। तो आप अनलिस्टेड जब दिखाएगा तो आप सोचेंगे पब्लिक करें, पर आप जितनी बार भी पब्लिक करेंगे वो अनलिस्टेड हो जाया करेगा। तो वो पब्लिक नहीं होगा, तो आपको डायरेक्टली जाके उसको डिलीट कर देना है और उसको कुछ करना नहीं है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जब वो जो उसके लाइक के बगल में अर्थ बना है, तो वहाँ पे आपको अनलिस्टेड का सिंबल बन के आएगा, तो आपको मतलब पता चल जाएगा। तो इसमें आपको डायरेक्टली मतलब डेट भी दिखा देगा जब का मैसेज आया है। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ जीमेल पे जाके। तो जब जीमेल पे जाएंगे तो मैं क्लिक करूँगा, तो ये देखिए यूट्यूब 3 जुलाई, मतलब 3 जुलाई को जो आपने शॉर्ट्स अपलोड किया है उसी में कोई दिक्कत है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं जाके, उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। तो 3 जुलाई में जो आपने शॉर्ट्स वीडियो डाला है, जो भी वीडियो डाला है, तो वो सब दिखाएगा। तो और मैं ये बता देता हूँ वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, जो आप गलती करते हैं और कैसे उसको मतलब करना है, तो मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग डायरेक्टली जाके यूट्यूब पे जाते हैं और वीडियो मेक वाला आप उस पर क्लिक करते हैं डायरेक्टली। तो जैसे कि आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें सेलेक्ट फ़ोटोज़ वीडियो जो भी आपको डालना है कर देते हैं। आप ये करते हैं कि उसमें डायरेक्टली आप ऑडियो क्लिक कर देते हैं, तो YouTube वाला मतलब ऑडियो, तो वो नहीं करना है। ऑडियो डायरेक्टली मतलब YouTube का तो करना ही है, पर 50% जो ओरिजिनल ऑडियो वो भी अपना ऑन करना है। तो YouTube वाला 100 कर दीजिए और जो ओरिजिनल ऑडियो वो 50 कर दीजिए, कि अगर YouTube डिलीट करता है अपना तो आपका 50% ऑडियो रहेगा। तो उससे ये रहेगा, उससे आपका वीडियो अनलिस्टेड नहीं होगा। तो अगर YouTube डिलीट कर भी देता है तो आपका वीडियो अनलिस्टेड इसलिए नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि अनलिस्टेड होगा, तो कोई उसमें कोई इशू नहीं है, कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने बताया वही आप फॉलो कीजिए, और वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।